तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक कॉर्न की स्वादिष्ट रेसिपी। जिन्हें पालक खाना नहीं पसंद, वो भी इस सब्जी को उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पालक कॉर्न की रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पालक। तो मैंने यहाँ एक बंच पालक ली है, इसको हमने पत्ता पत्ता करके साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ही हम इसको काटेंगे। कभी भी पत्तेदार सब्जी को धोने से पहले नहीं काटना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इसमें पोषक तत्व होंगे वो पानी के साथ धुल जाएंगे, तो आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पत्तेदार सब्जी को पहले आप अच्छे से साफ कीजिए, वॉश कीजिए, फिर ही आप इसको काटिए। तो यहाँ मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 पानी के साथ। पालक को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पालक बहुत गंदी होती है, इसमें बहुत सी मिट्टी, डस्ट, इंसेक्ट होते हैं, इसलिए इसको 2-3 पानी के साथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करने से वो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को हम बिना काटे इस पानी में डिप करके रखेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट अगर पालक गरम पानी में डिप रहेगी तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, उसको ग्राइंड करने में बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको 2 मिनट के लिए ही हम इस गर्म पानी में छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम अभी बंद है, इसको ढककर हम रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, पालक हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए गैस अभी भी बंद है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और ठंडे पानी में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा करने से जो पालक का नेचुरली ग्रीन कलर है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर हम इसको गर्म पानी में ही रहने देंगे तो पालक धीरे धीरे पीली पड़ना शुरू हो जाएगी, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें पालक को तुरंत ही ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देना है। ऐसा करने से पालक का जो नेचुरली ग्रीन कलर है वो बना रहेगा, तो हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से हरी भरी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने पालक को ठंडे पानी में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी पालक का टेम्परेचर लो हो चुका है, तो इसको हम मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पालक का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट बनाया है। अभी हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस की फ्लेम के ऊपर और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। प्याज डालने के बाद इसको हम करछी की सहायता से चला लेंगे कि हमारा जो प्याज है अच्छे से रोस्ट हो जाए। हमने इसको ट्रांसलूस होने तक पकाना है। तो यहाँ हमारा प्याज काफ़ी हद तक पक चुका है, इसको थोड़ा देर हम और पकाएंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं पकाना, उतना ही पकाना है जिससे ये इसका कच्चापन चला जाए और हल्का हल्का ये ट्रांसलूस हो जाए। तो यहाँ प्याज हल्का हल्का ट्रांसलूस हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से छीलकर उसको कूट लिया था। कूटा हुआ लहसुन अदरक ही हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको करछी की सहायता से चला लेंगे कि अदरक लहसुन प्याज जले नहीं। तो प्याज अदरक लहसुन काफ़ी हद तक पक चुका है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पूरे टमाटर की प्यूरी। इसको मैंने मिक्सर जार की सहायता से प्यूरी तैयार कर ली थी। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको हम करछी की सहायता से चला लेंगे और धीमी आंच पर इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे।
मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाला अच्छे से तेल छोड़ना ना शुरू कर दे। तो यहाँ मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर। ये घर पे ही मैंने तैयार किया था, इसमें मैं मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी बना रही हूँ, तो आप मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सभी मसाले डालने के बाद इसको कड़छी की सहायता से हम चला लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से पक जाएं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं, अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद इसको हम कड़छी की सहायता से चला लेंगे, हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं बिना जले। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी फ्रोज़न कॉर्न। ये आपको मार्केट से बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, आप इसको मार्केट से लेकर आ सकते हैं। तो अभी मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में और कड़छी की सहायता से हम इसको चला लेंगे। ऐसे ही हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से फ्रोज़न कॉर्न मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी। पालक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको कड़छी की सहायता से चला लेंगे ताकि पालक और सभी मसाले कॉर्न अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी भी जार के साथ बहुत सी पालक का पेस्ट लगा हुआ है, हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको शेक कर लेंगे, फिर हम उस पानी को इसमें डाल देंगे। तो देखिए मैंने जार में थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो पानी डाल दिया है अपनी सब्जी में। आप सब्जी की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप थोड़ा पतला पतला खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कितनी यम्मी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अभी इसमें एक कमी है, वो कमी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ घर की फ्रेश क्रीम 3 चम्मच। जो घर में मलाई आती है दूध के ऊपर उसको भी मैंने अच्छे से फेंट कर ले लिया है। अगर आप मलाई नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद इसको हमने कड़छी की सहायता से चला लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी पालक कॉर्न की सब्जी। इसको मैंने सर्व कर लिया है एक सर्विंग बॉल में, ऊपर से हमने थोड़ा सा सजावट के लिए डाल दी है धनिया, मिर्च और हल्की सी मलाई। तो फ्रेंड्स देखा कितनी सिंपल सी रेसिपी थी और कितने कम समय में ये बनकर तैयार हो गई है। जिन्हें पालक पसंद नहीं उन्हें इस तरीके से पालक कॉर्न सब्जी बनाकर खिलाएं, आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को आप किस स्टेट से देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।